हर तरफ पानी, मैदानी इलाके हों या पहाड़, नदियों के पास के इलाके हों या थोड़ी दूर, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जो कसर बाकी थी उसे चार दिनों से जारी बारिश ने पूरा कर दिया है। यकीन न हो तो ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की मुख्य सड़क, वो सड़क जो एयरपोर्ट की ओर जाती है, लेकिन ये सड़क आज नदी जैसी दिखने लगी है। गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जोखिम के साथ, पानी के सामने सत्ता और ताकत तक बेबस है। ऐसा नहीं होता तो फर्राटे से भागने वाली इस लाल बत्ती कार को कमांडो और पुलिस के जवानों को धक्का देने की नौबत नहीं आती। श्रीनगर से सुबह को एक भी विमान उड़ान नहीं भर पाया। श्रीनगर से बहने वाली दूध गंगा नदी के बांध का हिस्सा लहरों में उफान की वजह से क्या टूटा, शहर में तबाही आ गई। गाड़ियां पड़ी है, हमारे बच्चे अंदर पड़े हैं, औरतें सब अंदर, कोई रेस्क्यू नहीं, नथिंग, ये खाली बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं, नथिंग हैपन। राज्य की हर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। झेलम नदी तो खतरे के निशान से 7 फीट तक ऊपर बह रही है। यही हाल तवी नदी का है। तवी नदी ने जब विकराल रूप धारण किया तो कई लोगों के घर बह गए, नौबत परिवार और मवेशियों के साथ सड़क पर रहने की आ गई। आम लोगों की छोड़ी, मवेशियों तक को रहने और चारे की समस्याओं से दोचार होना पड़ रहा है। हर कोई बचे खुचे सामान के साथ सुरक्षित ठिकाने की तलाश में नजर आता है। चनाब में रिवर का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है। तावी में चलो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है। और खासकर जो लोग जिनके कच्चे मकान हैं उनके ऊपर काफी खतरा है, इसीलिए हम लोग जो जहाँ जहाँ लोग पानी के पास में हैं उनको रात कल 2 दिन से जो है सेफ जगह पर उनको शिफ्ट कर रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बिगड़े हालात को देखकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके में NDRF को 6 टीमें भेजने के आदेश दिए हैं। NDRF की ये टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करेंगी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। गुरुवार की रात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उमर ने भी राहत बचाव के काम के लिए 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जम्मू में चेनाब नदी उफान पर है। श्रीनगर से लेकर गांदरबल, कुलगाम तक घाटी का कोना कोना उफनती नदियों के कोहराम से कराह रहा है। सड़कों पर, घरों के अहाते में, गलियों में, चौक चौराहों पर हर तरफ जमा पानी से लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। बुजुर्गों का दावा है कि कश्मीर ने करीब 35 साल बाद ऐसा मंजर देखा है। श्रीनगर के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी गैर सरकारी इमारतें, इसके चलते दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में पानी भी भर गया। रात से ही सेना और पुलिस के जवान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव में लगे हुए हैं। अब तक सेना जम्मू के अलग अलग हिस्सों से 30 लोगों को सुरक्षित बचा चुकी है। जम्मू में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। बाढ़ और बारिश के चलते कुल मिलाकर अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को नौशेरा में बादल फटने से बारातियों से भरी बस जो थी वो नदी में समा गई और इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और बाढ़ के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता खालिद हुसैन ने। कश्मीर घाटी में आज 4th दिन लगातार है जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये श्रीनगर का मेन एयरपोर्ट रोड है। कल से ज्यादा पानी भर गया है और ये पानी जो आप देख सकते हैं किस कदर गाड़ी यहाँ चल रही है, और इसके पीछे बरजुला इलाका है और शांत नगर इलाका है, पोल्ड बरजुला है, वो सारा इलाका जो है पानी में डूब गया है। यहाँ पर केवल बड़ी गाड़ियां ही क्रॉस कर सकती हैं और जो ये छोटी मारुति गाड़ियां हैं बड़ी ही मुश्किल से ये इस पूरे पानी के सैलाब को क्रॉस कर रही है। और अगर हम बात करें सतर की, जो झेलम नदी का सतर है वो 30 फीट के आसपास है, जो खतरे के निशान से करीबन 7 फीट के ऊपर बह रही है। और इसके अलावा दूध गंगा जो है वो भी, उसके कई बांध टूट गए हैं और पानी जो है रावलपुरा इलाके में या फिर बरजुला इलाके में या फिर ओल्ड बरजुला इलाके में, नट्टीपुरा इलाके में अंदर बह गया है। दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो करीबन 30 से 35 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। करीबन अभी तक 6 लोगों की मौत कश्मीर घाटी में हुई है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। जम्मू लेह
हाईवे बंद है। अभी जो है मॉर्निंग फ्लाइट कोई ऑपरेट नहीं हुई है। जो रेल लोकल सर्विस है यहाँ पे वो ठप है। सारे स्कूल कॉलेज सोमवार तक बंद किए गए हैं और लगातार हो रही बारिश जो मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 6 तारीख शाम तक चलती रहेगी, उसके हिसाब से ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं जो बाढ़ की स्थिति है और गंभीर हो सकती है, क्योंकि बारिश बिल्कुल रुकने का काम नाम नहीं ले रही। और कई इलाकों में श्रीनगर के अगर हम ओल्ड बरजुला की बात करें, नटीपुरा की बात करें, उन इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे लोगों ने पूरी रात जो है रास्ते पे गुजारी है। खुद लोगों ने रेत की बोरियाँ उठा के दूध गंगा के बांध पे लगाई है और तब जाके उनके कुछ उनको सेफ लगाया अपने आप। लेकिन फिर भी कई 100 मकान ऐसे हैं जिनके अंदर पानी चला गया है, उन्होंने पहली मंजिल में शरण ली है। लगातार इस बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं लोगों की। प्रशासन ने कई कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। एनडीआरएफ के 200 जवान को दिल्ली से आज श्रीनगर लाया जाएगा ताकि वो रेस्क्यू में मदद कर सके यहाँ के लोगों को। लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें, जिस हिसाब से बारिश गिर रही है और जो मौसम विभाग की पेशेंगोई है, उसे लगता है कि हालात जो है बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। खालिद हुसैन, श्रीनगर, IVN7। श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। इस समय भी जम्मू में तेज बारिश हो रही है। जम्मू की तवी नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रात में सेना और पुलिस के जवानों ने जम्मू के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। हमारे संवाददाता पवन शर्मा जम्मू से ताजा अपडेट दे रहे हैं। जम्मू संभाग में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश चल रही है। पिछले 3 दिन से आलम जी है कि आप देख सकते हैं, ये जम्मू की तवी नदी है। यहाँ पर कई घर थे जो तवी के किनारे थे। हालांकि यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया था कि लोग जो है वो खाली कर दें। यहाँ से लोग निकल चुके हैं। अभी भी अपना सामान, जहाँ पर जो गुज्जर लोग हैं जो मवेशी लेकर जहाँ रहते थे, वो सामान निकाल रहे हैं। इनके घर पूरे डूब चुके हैं। पूरी तवी का आलम यह है कि समय खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो रजौरी, पुंछ, खास करके रियासी जिला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड हुआ है। 13 लोगों की मौत अभी तक जो हुई है वो सरकार ने पुष्टि कर दी है। हालांकि नौशहरा में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बारात लेकर जा रही बस नाले में गिर गई थी, जिसमें 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं। उन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वो माना जा रहा है कि जितने लोग बस में थे वो सब के सब मारे गए हैं, क्योंकि कल से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। किसी को भी वहाँ से बचाया नहीं गया है। अभी तक बस का पता नहीं चल पाया है कि बस कहाँ पर है। और पूरे रजौरी पुंछ के अंदर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। जम्मू संभाग के अंदर खास करके लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालाँकि प्रशासन ने वहाँ पर सेना और पुलिस की में तैनात की है। जगह जगह के ऊपर जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, पिछले 2 दिन में सेना और पुलिस ने जम्मू संभाग में 500 लोगों को रेस्क्यू किया है जो पानी में फंसे हुए थे। लेकिन अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी कुछ लोग जो है वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। और लगातार जो बारिश है वो अभी भी जहाँ जम्मू में जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी आ रही है। पवन शर्मा, जम्मू, IVN7। तो हम आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पे बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ जैसे हालात हैं और अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को बाहर निकालना, उन तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि कश्मीर के आउटस्कर्ट्स पर अगर हम कई गांवों की बात करें तो फिलहाल उनका संपर्क यहां पे टूटा हुआ है मेन स्ट्रीम से। और खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। खालिद, यहाँ पे खबरें ये मिल रही थी खासकर कि झेलम का जो कांदीजल इलाका है वहाँ पे बैंकमेंट्स को तोड़कर पानी जो है नदी के बाहर निकला है, रिहाइश में गया है। झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, उच की बात करें, ये तमाम नदियां हैं जो कि इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। क्या खास वजह आप देखते हैं इस त्रासदी के लिए? क्या एक बार फिर से यहाँ पे कुदरत से खिलवाड़? देखिए, तमाम जो नदी नाले हैं कश्मीर घाटी के, राज्य जम्मू कश्मीर के, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। झेलम की बात करें तो कल ही 3-4 जगह जो ब्रीच हुआ था और रिहायशी इलाकों में पानी चला गया था। और सबसे बड़ी जो बात, जो वजह है, वो ये माना जा रहा है कि जो बांध है उनका रख रखाव जो है, जब सामान्य होता है क्लाइमेट तो तब उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप पीछे देखिए, मेरे ये सारा एयरपोर्ट रोड जो है भरा हुआ है। यहाँ पे इस ओल्ड बरजुल्ला सब इलाकों में पहली मंजिल में पानी चला गया है और लोग मजबूर हो रहे हैं दूसरी मंजिल पे जाने के लिए। इसके अलावा सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कश्मीर
कश्मीर से जो देश को जोड़ते हैं वो बंद है, हवाई सर्विस भी अभी ठप है, रेल यातायात ठप है। सबसे बड़ी बात जो है अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू की है, क्योंकि कई सौ लोग चाहे साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो घरों में फंसे हैं, उन्हें कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत से इलाकों में प्रशासन अभी नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी मंजिल पे लोग फंसे हुए हैं, पहला मंजिल उनका दबा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अगर जेहलम के जल स्तर की बात करें हम, वो 30 के आसपास बह रहा है, 30 फीट है, और जो नॉर्मल है वो 21 है, यानी 9 फीट वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और यही हाल साउथ कश्मीर का है, या जो विश नाला है वो बहुत तेजी से बह रहा है पहाड़ों से, लेदर नाला है, दूध गंगा नाला है, दूध गंगा नाले के तीन जगह बांध टूटे हैं, बरजुला में पानी चला गया है, रामबाग में पानी चला गया है, नौगाम में पानी चला गया, कई इलाके हैं जो अभी और सबमर्ज हो रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ जो इरिगेशन के चीफ इंजीनियर है उनकी तरफ से एक संदेश आया कि महजूर नगर, नौगाम या फिर जो बेल्ट है ये लो लाइंग एरियाज के, उनके लोगों को बताया गया कि वो वहाँ से निकल जाएं, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लोग निकलें कैसे, क्योंकि उनके आंगन जो है और वो बहुत पानी से भरे हुए हैं, उनके कद तक पानी आ गया है। हमारे पीछे ये रोड देखिए, यहाँ मुश्किल से लोग जो है गुजर रहे हैं, बहुत ही दिक्कत की बात हो रही है। और लगातार जो बारिश हो रही है वो एक बड़ी चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि अगर बारिश नहीं थमी तो शायद प्रशासन भी रेस्क्यू करने में असफल दिखेगी। जी बिल्कुल, तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो रेस्क्यू टीम के सामने है वो है लगातार हो रही बारिश।